रेड अलर्ट, कॉल फॉर मिनिस्ट्री इमरजेंसी मीटिंग। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती
चाहती है, यहाँ तक कि कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुण सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिराज केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्रीराम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग। लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बर्बर फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है। लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंदू चैंपियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की वजह। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। We'll be right back.
Thank you.
परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं।
इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की, जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया, और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली, जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की, और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं, लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है, और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग। लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेंट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बर्बर फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है। लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप
फर्म देखकर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंद्रशेखर पर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा, लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है। सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिराज
केसर मुनीर ने, गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्रीराम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग। लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खास तौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेंट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बर्बर फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलम्पिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है, लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे है। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंद्रशेखर पर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया और सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया।
अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी है उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गांव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली, जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग, लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेंट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है, लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी
बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंद्रशेखर पर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा, लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है। सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। तो आपकी आवाज को लेकर लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे जी। इनफैक्ट बाहर भी कुछ सेलेब ने पोस्ट किए थे हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप इस बात को लेकर? बात को लेकर मेरी जो आवाज थी बिल्कुल हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे भी बोल रहे थे, तो मुझे मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है। माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है। अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते, उनके डट के सामना कर पाते। तब भी हमने डट के सामना किया है, जनता जानती है। शिवानी, अब आपका रुख किस तरफ है, किसको आप सपोर्ट करना चाहोगी? सना मकबूल के साथ आज भी आप रहना चाहोगी या रणवीर अरमान, जो जिस तरह आप लोग आपका माइंड वॉश किया था जब टास्क हुआ था, आखिरी जो टास्क हुआ था उसमें आपका माइंड बहुत वॉश किया था अरमान ने और कृतिका ने, तो क्या कहना चाहोगी? मेरी जो मेरी टीम थी, जो भी मेरी टीम थी, सना मकबूल, विशाल भाई, कटारिया भाई, हम लोग बैठते थे तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मैं मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते थे। लेकिन आपने फिर उनकी सारी हकीकतें बोल दी कि आपके बारे में, उन्होंने मुझे ये दोस्ती भी नहीं निभाई, कहीं ना कहीं ऐसा दोस्ती मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे ये बोला गया था टास्क जब हुआ था, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी, टास्क सुन रही थी कि क्या टास्क है वहाँ पे। फिर टास्क जब ख़त्म होता है तो अरमान भाई, टास्क करने का टाइम आता है तो अरमान भाई बोलते हैं कि इधर आ मैं तुझे बताता हूँ। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अरमान भाई मुझे ये बोले कि शिवानी अगर तूने बुराई नहीं की तो तुरंत की तुरंत घर से बाहर हो जाएगी तुझे। हमने कहा बुराई कैसे करनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने ये भी बोला था। तब वो ये बोल रहे थे तुम्हें इनकी पोल खोलनी है, तुम इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है। तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे कि ये शायद यही बात होगी जो उन्होंने बोला। टास्क की बात करें कि हाँ मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था, फिर जब बाद में पता चला तो हम सब तीनों लोग कैसे रो रहे थे, कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे और फिर हम लोग एक दूसरे के चिपट के भी रो रहे थे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बुराई जरूर की, आपने चलो वो टास्क को टास्क की तरह लिया, लेकिन मेजॉरिटी घर की आपको ही निकालना चाहती थी, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त आपके साथ ही थी घर में कि हम आपके साथ है, क्या कहना चाहिए? अब इसका क्या बोले कि अब ग्रुप में बैठते थे, अब उनको लगा कुछ लगा होगा इसलिए निकाल दिया, अब निकल गए तो अब उनकी हम बुराई क्या ही करें, वो मेरा ग्रुप था, मैं बुराई नहीं करूंगी। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था? आप नहीं तो कौन? मेरी जगह पे कृतिका मलिक निकलनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या कर रही है, हम तो उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको। आपको नहीं लगता कि कृतिका, आपको छोटा अखबार का खिताब दिया गया है, आपको नहीं लगता कृतिका बड़ा अखबार है इस घर की? बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था। आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं, तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। अब जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना तो
तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता, ये समझ के दबा दिया जाता था। जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। लास्ट टू क्वेश्चन शिवानी आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर जिस तरीके से आपसे ज्यादा झगड़े होते थे, आप उनकी चीजों को मना करते थे नहीं छूने का, फिर भी आप एज अ देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए नया था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपके निकलने के बाद भी बीचिंग स्टार्ट रहती थी आपकी और सना मकबूल की दोस्ती को लेकर काफी ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश की, दूरियां बनाने की कोशिश करने की कोशिश की गई थी। तो अभी भी, अभी रणवीर भी अभी भी बीचिंग करते हैं सना मकबूल का, तो आपको क्या लगता है रणवीर कैसे? एक सेकंड, विशाल को ले लो प्लीज। दिग्विजय आपके गांव सपोर्ट ही नहीं कर रहा, दिग्विजय आपके गांव से अंबिका मैम भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस, थैंक यू विशाल, विशाल ये निकालो विशाल भाई, यहाँ पे टर्न इधर आ जाओ, यहाँ आ जाइए विशाल भाई, इधर देखो बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने वाले हो आप। अच्छा, ऑलरेडी खबर बाहर आ गई है, पहले इससे निकल जाने दो, एक मिनट भाई, चल भाई हेलो मेजर कर लेते हैं भाई, सर टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ ना, लुक हियर। बट विशाल आपको नहीं लगता कि उस वक्त जब ये अब हो गया बस बस भरी बट टर्न कर दिया सबको, सोच रहे थे कि आपको मानना चाहिए था, उसके लेवल पे नहीं गिर सकते ना अपन, ना मेरे हाथ में बोला था रोल शिवानी फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप घर से बेघर हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे आप अपने या फिर कुछ और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से लोग गेम आपका देख रहे थे, यू नो शिवानी को फिनाले तक देख रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिनाले तक की उम्मीद तो मेरी भी थी कि हम फिनाले में जाएंगे, ये तो मैं 100% में ये थी कि मैं फिनाले तक जाऊंगी, लेकिन घर की वोटिंग से मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर की वोटिंग से अगर होता तो मैं बाहर नहीं आती, क्योंकि मुझे जनता मुझे बहुत पसंद कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रही थी, लेकिन गेम कुछ और था, घर की वोटिंग थी तो मुझे निकलना पड़ा, फिनाले बस थोड़ी दूर पे फिनाले था और वहाँ से आई हूँ, तो दुख तो हुआ था फिनाले नहीं देख पाई, ट्रॉफी जीतने का सपना था, क्योंकि सब शहर से थे, गाँव से हम थे, तो वो लड़कियां मुझे गांव से देखती हैं कि शिवानी गई है बिग बॉस में, जो बिग बॉस नहीं जानती थी, जो
मेरे बदौलत बिग बॉस देखना स्टार्ट करी थी, तो मेरा हौसला बहुत बढ़ रहा था कि नहीं हम गांव से आए हैं तो हमें ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। मैं घर से बेघर हो गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जितना जनता का प्यार देखा, ट्रॉफी जीतने का सपना था लेकिन जनता का प्यार देखते ही ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई कि ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस प्यार के आगे तो ट्रॉफी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिवानी, जैसे कि आपने कहा गांव के लोग, ऑफकोर्स आपकी वजह से लोग गांव के ऐसे लोग भी देखना स्टार्ट किए बिग बॉस जो कि नहीं जानते थे जी, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अनफेयर हुआ है बिग बॉस, जहां अरमान फैमिली को इतने ज़्यादा एडवांटेजेस मिले उन्हें, आपको अगर वो मिलता तो कहीं ना कहीं अभी तक आप टिकी रहती, क्योंकि उन्होंने हाथ छोड़ दिए, पुश कर दिया, इवन उनकी पत्नी कृतिका ने भी आपको पुश किया था विदाउट, आपने हाथ नहीं लगाया था, तो आपको लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं उनके तरफ ज्यादा ही फेयर दिखा रहे हैं? बिग बॉस को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूँ कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया, गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे वहाँ बुलाया, एक मौका दिया, मुझे सारी दुनिया देख रही है, आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़े हैं, तो ये बिग बॉस की देन है जो आप लोग मेरे सामने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको लग रहा है कि अरमान फैमिली के साथ फेयर हो रहा है और बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार अरमान मलिक का बिहेवियर है बिग बॉस के घर के अंदर, लोगों के ऊपर हाथ उठाना, कृतिका का भी आपके साथ नोकझोंक हो रहा है, ये इसमें बिग बॉस का कोई वो नहीं है कि बिग बॉस कर रहे हैं ये सब, वो अंदर जो भी जनता है, जो भी अंदर लोग हैं, उनकी वजह से ये होता है कि अब तुम वो संचालक, मैं संचालक बनी थी, वो कैप्टन बन गए, कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर पावर चली जाती है कि ये किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो घर के अंदर लोगों पे ही है, अब वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं ये मैटर करता है। शिवानी, स्टार्टिंग में मतलब वहाँ पर जो उनका गेम प्लान है कैसा लगता है आपको? गेम प्लान अब जैसे को तैसा, क्योंकि वो बैठते हैं अरमान भैया के साथ, जब इतने 50 साल के आदमी हैं वो उनके साथ बैठते हैं, उनकी दोनों की आपस में बहुत बनती जुलती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चाल पे वो भी चलेंगे, तो बस यही कहना चाहेंगे अब जो अभी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कि मुझे तो नहीं लगता कि बस अरमान भाई क्या ही बोले उनके बारे में। मैम, आप बिग बॉस में विनर अभी किसे देख रहे हैं, टॉप 3 कंटेस्टेंट में किसे देखना चाह रहे हैं? टॉप 3 में मेरी टीम के दो लोग बचे हैं, सना मकबूल और कटारिया भाई, बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। विनर किसे देख रही हैं आप? निकलने के बाद आप काफी नाराज हुए थे तो, जी दीपक भैया हुए थे आप, तो आप उनके साथ अभी आगे कैसे कनेक्शन रखने वाले? दीपक भैया से मेरी बात हुई निकलने के बाद, तुरंत हम लोगों ने बात की, वो मुझे हौसला दे रहे थे, जैसे कि घर में ही दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बोलो, अपनी आवाज़ को मत दबाओ, तुम बोलो, वही मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि शिवानी तुम उस इलाके से आती, वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है, तुम उसको आवाज़ को लेकर मुद्दा मत बनाओ, वो हमेशा बोलते थे, वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज्यादा। विनर किसे देखती हैं आप शिवानी? गाइस लास्ट क्वेश्चन, विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ, और जो बस मुझे यही फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ, तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ, जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें, शायद कभी बिग बॉस में जाने का बहुत सारी लड़कियां ऐसे मौका मिल जाए, तो वो जो भी मुझे देख रही हैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो सब लोग, मेरे पे जितना बन सकेगा, जितना भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पे लगाऊंगी जो पढ़ नहीं पा रही हैं। जब आगे से मैं ही ट्राई कर रही थी, आगे से उनको वो लगता था ना कि ये शिवानी है ना समझ है, इसको क्या, इसको ही इजी टारगेट बनाते हैं, सबसे बना के चलते हैं, तो घर से नहीं बेघर होंगे, तो अगर सबसे के साथ वो खराब कर लेते तो अभी तो वो बाहर हो जाते, इसलिए वो भाई सुमड़ी में खेल रहे थे। कूल, थैंक यू गाइस, थैंक यू। व्हाट डिसीजन इज रॉन्ग? साइलेंस प्लीज। पे जाना क्या? अरे हम लोग कैंसिल ही करा रहे हैं। चलो स्टार्ट मैम, यस स्टार्ट प्लीज। इतने सारे एक साथ वो तो आदत ही नहीं इतने कैमरे की। Already, sir. Many congratulations. Silence, please.
प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस. मैनी कंग्रेचुलेशन विशाल, आप पूरे ऑडियंस एक अरे प्लीज अरे यार क्या कर रहे हो, रोल किया जाए कि नहीं? दो बार सवाल पूछ के कट किया आया. चलो ए थ्री टू गो वन रोल. विशाल फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशन, आप ऑडियंस की नजर में विनर है और ट्विटर पर आप ट्रेंड कर रहे थे कि विशाल को लाया जाए. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? अब क्या लाया जाए, दो ही दिन बचे हैं तो लाने का तो फ़ायदा नहीं है. खैर बट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बाहर आके मुझे दिखा है कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है मुझे. और अगर आउट होके भी ऐसा अगर पब्लिक बोल रही है कि आप विनर हो तो भाई फिर तो आप जीत गए हो. उनका अगर दिल पब्लिक का दिल जीत लिया तो फिर आप शायद जीत गए हो. एक है हल्का सा मलाल है दिल के अंदर, थोड़ा सा जख्म है कि शिट क्यों यार, नहीं जाना था मुझे, चार दिन बचे थे, जीतना था, बट कोई बात नहीं. बट आपको लगता है, आपको अदनान ने आकर इन्फॉर्म भी किया था कि कटारिया की दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप वही कंटिन्यू किए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दोस्ती आप पे भारी पड़ गई? देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था. अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूर मानता हूँ. मैंने उसको भी बोला था कि मैं बाहर निकल के तेरे से बात करूँगा. बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी दोस्ती एक इंस्टेंस पे जज नहीं करता. मैं अगर मेरा दोस्त एक बार गलत किया है तो मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ, तो आई गेस वो एक को हटा के मैं 10 अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहता हूँ. विशाल उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे अरमान ने आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है उसके बाद भी वो घर के अंदर है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि वो फाइनल में दिखने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो कब वो तो बहुत जल्दी निकल जाते और मार खा के निकलते, लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं. तो आपने एक्शन नहीं लिया वहां पर कि बिग बॉस इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसे हमने हर सीजन में देखा है. देखो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर जब पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है और आपका जब माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है और आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और उस चीज को एक स्पेशल केस दे दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या कहीं मैं ही तो गलत नहीं था. और मैं उस टाइम पे इतना ब्लॉक हो चुका था माइंड से, मतलब मैं टूट चुका था. मैं बेसिकली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मैं मेरे को कुछ जी मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा था स्टार्ट से, मेरा फोकस सब गायब हो चुका था. तो मैं था वहाँ पे बट मैं नहीं था, तो आई वाज जस्ट ज़ोन्ड आउट. उसके बाद भी आपके घर वालों को बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोली गई, अरमान ने गलत बोला है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा. अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा ज़ोर से खा के और मैं घर में उस मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता. बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पर आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आपकी आप कितने नीच किस्म के इंसान हो दिख जाता है. बट विशाल थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने उस पूरी चीज को मैनेज किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया. जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था, पेरेंट्स के आने के बाद में कितना रिलीफ मिला एंड कितना कॉन्फिडेंट गेन कर पाया? बहुत, मतलब दो तीन दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं सोच रहा था कि शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे जनता, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में. अंदर से मुझे मालूम था ये चीज़, अंदर से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, मेरा इंट्यूशन था कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे और मेरे वर्ड्स भी गलत नहीं थे. बट क्योंकि इतने लोगों ने मेन इसमें मैं बोलना चाहूँगा पायल को बुद्धिहीन चाले उन्होंने करके गई हैं. जब आपको कुछ मालूम नहीं है आप एक बार पढ़ाई करके आओ, आप नेशनल टेलीविजन पर कुछ बोल रहे हो तो आप उसके बारे में स्टडी करके आओ, आप देखो कि मैं क्या सही बोल रही हूँ. और क्योंकि मैंने वर्ड निकाला भी था कि मैंने सुंदर बोला था तो उन्होंने उसको बोली नहीं तुमने ये नहीं बोला था. खैर तो दो तीन दिन मैं लॉस्ट रहा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझी कि नहीं मुझे स्ट्रांग होना है मेरे घर वालों के लिए, मुझे गेम पे फोकस करना है. और उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आए तो जी बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ और मैं सोच लिया अगर मेरे ऑडियंस और मेरे माँ बाप सही समझ रहे तो मुझे घंटा फिर किसी से फर्क नहीं पड़ता. इस पूरे इंसिडेंट में लोकेश ने आपको बैकस्टेप किया है, उसके बावजूद आपकी और लोकेश की दोस्ती जो है वो कायम रही एंड एक टास्क के दौरान आप दोनों ने ही एक दूसरे की पोल खोली. कहीं ना कहीं मन में एक ग्रज आपके था लोकेश को लेकर जो आप यू नो दोस्ती के लिए दबा कर बैठे थे? नहीं मुझे कभी ग्रज नहीं था जी, ये चीज़ मुझे बुरी ज़रूर लगी थी
कि मैं चाहता था वो मेरा स्टैंड ले वो जगह, और एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि अच्छे इन अ गुड वे मैंने बोला, वो चीज़ मैं चाहता था वो क्लियर करे। बट खैर मैं ये भी उसको देता हूँ कि बहुत प्रेशर था वो टाइम पे, और जैसे बोला अभी भी उसने कल मीडिया इंटरव्यू बोला कि कुछ चीज़ें जैसे चार घंटे पहले की भी बातें याद नहीं रहती, बिग बॉस वगैरह में हज़ारों बातें होती हैं। तो मेरा ये बोलना था अगर तेरे को नहीं अच्छे से, तू बोलते था कि मुझे अच्छे से स्टेटमेंट नहीं याद है जो भी है। बट जहाँ तक रही बात टास्क की, तो टास्क में मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार वो एक टास्क था, हमको करना था, उसके बाद भी हम खुश नहीं थे उस चीज़ से जो हमें करना पड़ा था। और हमारे पास ये बहुत अलग किस्म की एक अजीब सा टास्क आ गया था हमारे पास, हमको करना पड़ा क्योंकि बिग बॉस ने क्लियर शब्द में लिखा था कि मजाक नहीं है, आपको ये टास्क करना है। तो फिर भी लेकिन वीकेंड पे सुनाया गया कि टास्क में दोस्ती तो करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, तो वो हो गया था। तो मैं और मकबूल तो रेडी रहते थे हर वीकेंड के वार पे कि चलो भाई अपने को बैठना है, अपने को सुनना है। तो नहीं, बट जहाँ तक रही बैक स्टैबिंग की, तो मैं ये बहुत कड़क शब्द है बोलने के लिए, मैं ये नहीं यूज़ करना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला ये चीज़ कि मेरा दोस्त था और दोस्त रहेगा। विशाल, आपसे जान प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया गया है और अरमान को बैश किया गया है थ्रू मीडिया। तो मैं इस पे एक स्टोरी भी डाला था, मैं चीज यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, जो जगह आप नहीं हो वो जगह पे भी अगर आपके आपके नाम की गूंज मच रही है तो आपने जिंदगी में कुछ सही करके आए हो शो में। क्या बात है विशाल, आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर शौर्या ने भी काफी आपसे फाइट हुई है आप दोनों के बारे में, निकलने के बाद भी काफी ज्यादा वो ग्रुप खुश नजर आई, तो आप बताना चाहे रणवीर शौर्या की गेम जिस तरीके से वो सामने वाले को चुप करा देते हैं, इवन जो अनदर कंटेस्टेंट्स है वो कहीं ना कहीं उनके एज उनके एक पर्सनैलिटी को देख के एक रिस्पेक्ट करते हुए चुप हो जाते हैं, आपको क्या कहना है उनके बारे में? रणवीर सर का मेरे को ये लगता है ना कि रणवीर सर बहुत चालाक है, वो सुमड़ी में इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं। हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया है, जितना ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, उनका हार्डवर्क है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप अगर हम आप छोटे से एक्सपेक्ट करते हो इज्जत, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि छोटे भी आपके साथ एक नेशनल टेलीविजन पर मेहनत करके आप उनको भी इज्जत दो? क्योंकि अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। खैर उन्होंने इज्जत दी नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको इज्जत दी थी। मकबूल भी प्लेटफॉर्म से वही प्लेटफॉर्म से आती है, एक्टर वो भी है, एक्ट्रेस वो भी है, बट रणवीर सर से उनको इज्जत तो मिलती नहीं है, बल्कि यू नो उनको डोमिनेट ही किया जाता है या कोई भी चीज़ों को लेकर बोला जाता है। अरे मकबूल स्ट्रांग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सीन नहीं है उसका, वो सही है, वो कर लेगी मैनेज। और जहाँ तक रही बात रणवीर सर की बात, तो वो करते हैं, उन्होंने तो भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कह दी है मेरे और मकबूल के रिलेशन पर, ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कह दी है, बट खैर उन पर नहीं बोला गया है, कोई बात नहीं। साई केतन ने जहाँ एक क्लिप वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा इस ग्रुप के बंदों को उड़ना बहुत जरूरी है, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे आप चारों के ग्रुप से कि जब वो आप तीनों निकले तो जैसे मैंने बताया कि वो ग्रुप काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रही थी, बट क्या उनकी तरफ से हमने गेम प्लान नहीं देखा? एक बात बताता हूँ मैं, एक बात बताता हूँ मैं, कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन, साइड में निकलते कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर, किस बात है सॉफ्ट कॉर्नर, बताता हूँ आप लोगों को हेट ही करते थे, बताता हूँ उसमें भी आऊंगा मैं। मेरे ख्याल से तो आप अगर ये सारी चीजें देखो तो एक चीज से ये समझ सकते हो कि भाई उनकी फट गई थी लिटरली, हम चारों से सब घर वालों की फटती थी कि भाई अगर ये नहीं जा रहे यहाँ से, इनको तिगड़म करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको तिगड़म करके नहीं निकाले तो ये आखिरी तक नहीं हिलने वाले। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जो हिसाब से मुझे ऑडियंस का जनता का प्यार दिखा है, हम चार तो नहीं हिलने वाले थे, बट बहुत सारी चीज़ें करी गई ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि इन चारों को उड़ाना पड़ेगा, सबसे पहली बात भाई तेरे बस की बात है नहीं, तेरे बस की तो बात नहीं तेरा पॉइंट रखने की, तू चारों को उड़ाने की क्या बात कर रहा है, तो पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ जहाँ तक रही बात साई ने अगर ये बात बोली है जो कि मेरे को नहीं मालूम बोली है तो मैं साई को एक बात बोलना चाहता हूँ, साई आपके लिए एक मैंने नया नाम निकाला, आप साई केतन या आप साइड केतन है ठीक है, तो साइड केतन इसीलिए आपने पूरे शो में आपने यही चीज़ बोला है कि ये एक दो दोस्ती, एटलीस्ट हम अपने दोस्ती पे तो थे, जो भी हमारे बीच में हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, जो पूछ बोल रहे हो हम दोनों एक दूसरे को सुधारते थे, बोलते थे तुम तो लेजिट पूछ बन के घूम रहे हो। और जहाँ तक रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, तो मैंने हमेशा उसको ये चीज़ बोली है कि साई मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को सॉफ्ट, वो हमेशा बोलता था चीज़ कि मेरे को तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो दिल का बहुत अच्छा, मेरे को भी वो दिल का बहुत अच्छा लगता था, बट बाहर आके मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, उसने भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें बोली है, वो दिल से उतर गया।
अरमान मलिक ने आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा असैसिनेट किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आने के बाद आपको चीजें आपकी फैमिली मेंबर्स देगी, व्हाट यू हैव टू से? वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद दो शादी करके बैठा हुआ है? तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा? और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीच इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर, मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। तो कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक कि वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है, और हर एक चीज़, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। विशाल, मैं आपको बताना, विशाल विशाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक के एक गलत मैसेज पहुंचे मैं ट्रॉफी जीतूं, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक गलत इंसान के हाथ में, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए भाई। टेंशन मतलब तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हां तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी मैं चाहता हूं कटारिया मकबूल में से कोई उठाए, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात जो आपने पूछी कि उन्होंने बिल्कुल सिंपति के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दो मिनट दे दो, एक मिनट रुको 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 एक मिनट भाई मेरे को बोलने तो दो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपति की, उन्होंने मेरे निकलने पे जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है, मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये हैं, क्या ये इनकी जो बीवी है बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है, और मैं जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। लास्ट में निकलते हुए आप हग करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था विशाल, इतने प्यार से हग किया? प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चुक माफ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हग किया था तो भूल चुक माफ, ठीक है? तो खैर माफ़ तो नहीं किया वो मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, जो उनके हिसाब से जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम मिल ले कोई बात नहीं, बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के वार पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आती है कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाली की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने, तो अच्छा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से। बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को, उन्होंने सॉरी भी बोला है, बट और फिर आके बाहर पलट गई ना, राइट? तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घटी रही है हाइप, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे, जितना कर रहे उतना दलदल में फंस रहे हैं। और जहाँ तक रही बात चंद्रिका की, अनसेफ हो रहा था इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी, अपने ना कोई किचन है पट्टी है मेरे आंखों पे पट्टी है ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। और जहाँ तक रही बात, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ़ कर दिया, और अगर तो बाहर आके वो कर रही तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनकी उनका माइंडसेट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू गाइस। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दी गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं।
इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की, जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली, जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं, लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आईपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग, लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है। लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बता
बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देखकर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंदू चैंपियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस को उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना ये है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दी गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरे में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं।
सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने, गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग, लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है, लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंदू चैंपियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया और सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दी गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया।
अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली, जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आईपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग, लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है, लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी
बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंदू चैंपियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा, लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दी गई है। चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं। इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरे में भी आया। अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा। फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा। अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं, उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है। पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिराज केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग, लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का
दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है, लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे हैं। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं। अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंदू चैंपियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागीश्री बोरसे का छोटा सा रोल है, सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। आई मीन रियली हैप्पी, ट्रेलर सबको पसंद आया है और बड़ी मेहनत से और शिद्दत से हम लोगों ने फिल्म बनाई है और होपफुली फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी। आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट अ वाइल अगो दैट द व्यूज एंड द लाइक्स एंड द रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी ऑनेस्टली एंड एज ही वॉज मैंशनिंग के बहुत ही मेहनत से, ऑफकोर्स यार मूवी तो बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, इट्स एन आर्मी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, सो ऑफकोर्स यार वी आर वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल एंड फीलिंग ब्लेस्ड ऑल टुगेदर। I mean, I'd like to thank everyone that has liked the, like Suman was saying, the percentage of likes compared to the views on the trailer is much higher than a lot of movies out recently. So for that, I can only thank the audience that they are liking the hard work that our team has made, both the team in front of the camera and the team behind the scenes who have been working probably more than the actors. Yeah, so thank you, the audience. Thank you for loving our work, and I hope that we'll see you all in the theaters as from 19th July. I'd like to start with Captain of Team. Yeah. Yes. Have you seen Kripa's
नहीं ऑब्वियसली हम लोग सीखते हैं, हर फिल्म से सीखते हैं. तो कबीर सिंह, सिर्फ कबीर सिंह ही नहीं, आई मीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर पास्ट 10 years नाउ. सो देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम. सो कबीर सिंह इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम. बट आई मीन यू टेक समथिंग फ्रॉम एवरी फिल्म एंड देन इट्स योर थिंग दैट यू हैव. आई मीन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. आपका अपना विजन होता है. तो दिस फिल्म में मेरा विजन है, जो मैंने कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की. सो होपफुली आप सब लोगों को पसंद आएगी. Honestly, Ananya ka character is very strong. Like she is, she is not, you know, anybody doing anything. She's a very strong character. She is playing a very important part in the heist. In fact, she is leading the heist, and she's someone who knows what she wants. She's very clear in her agenda, in life and in work. And at the same time, she knows how to get her things done. She is very clever, and I think you will enjoy watching Ananya on screen. Okay, तो मेरा हिंदी अगर आप बता रहे हो कि अच्छा नहीं है लेकिन समझ आ रहे हैं ना. Okay, तो ये मेरा हिंदी उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मेरा एक्सेंट मूवी के लिए मैंने बनाया. तो फ्रेंच दिख रहे हैं ना ऑडियंस कि मेरे हिंदी में कुछ फ्रेंच है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर भी एक NOI है जो मॉरिशस में रहे हैं. तो अनन्या मुझको कॉन्टैक्ट करती हैं ताकि इन्फॉर्मेशन मिले और उनके साथ ये हाइस्ट कंडक्ट कर सके. मेरा फ्री लुक्स है मूवी में, फ्री वेरी इंटरेस्टिंग लुक्स दैट I'm proud of and I could connect with. तो मैंने गाना भी गाया और गाया पलक मुच्छल के साथ. तो मैं बहुत grateful हूँ कि मेरे पहले गाना पलक मुच्छल के साथ हैं. उसका नाम है आजा बेरी और वो भी बहुत प्यार मिल रहे हैं YouTube पे. Thank you all the audience for all the love that you are showing. And yeah, तो आपके लिए मेरा हिंदी तो और ज़्यादा improve करूँगा, don't worry. To be honest, no. I mean, क्योंकि मेरा character ही एक NOI है जो एक French island में रह रहे हैं, तो मेरा हिंदी suit करता है. लेकिन अगर director साहब मुझे एक और role मिले जहाँ मैं शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा तो ये भी करूँगा, चैलेंज ले लूँगा. I mean, he is a very hard working guy. So अगर मैं उन्हें कुछ बोलूँगा तो वो मेहनत करेंगे उसके ऊपर और वो he will learn it and deliver it. Yes. और अगर ऑडियंस बोलेंगे कि आपका हिंदी और अच्छा करना है तो करूँगा ऑडियंस के लिए. लेकिन प्यार देना आप थिएटर्स में. ऑडियंस को हमेशा अच्छी कहानियाँ पसंद आती है. आप कोई भी फिल्म हाल ही की उठा के देखिए, 12th फेल या फिर जो छोटी लापता लेडीज़, यस, तो जो कि छोटी फिल्म्स है उसमें कोई बड़े बड़े फेसेस नहीं है, बट बिकॉज द स्टोरी इज़ गुड पीपल लाइक इट. सो ये फिल्म की कहानी भी बहुत अच्छी है और ये एक थ्रिलर फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है. तो आप जब सिनेमाघर में जाओगे देखोगे तो आपको लगेगा कि आई मीन यू विल बी हुक्ड टू योर सीट्स, यू नो. सो इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एंड फन फिल्म, बिट सस्पेंस, मसाला फिल्म बोल दी है. सो बहुत ज़्यादा तो रिवील नहीं करना चाहता मैं, बट या आई मीन वीरेन शाह का कैरेक्टर सिद्धांत कपूर प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली, और मैं विलन है हमारे फिल्म में. सो उनका आई मीन आपने देखा होगा कि
बहुत बार ऐसा है, खास करके इंडिया में बहुत ऐसा होता है कि यू नो पैसा, लोग यहाँ का इंडियंस का पैसा लेके भाग जाते हैं और पैसा अपने को मिलता नहीं है वापस, और अगर आता भी है तो वो गवर्नमेंट के पास आता है. तो व्हाट इफ़ इन पैरेलल वर्ल्ड जहाँ पे कि यहाँ से कुछ लोग जाए और पैसा लेके आए और लोगों को जिनका पैसा गया है उनका दे, उन्हीं को दे. सो ये लोग हमारी टीम जो है या जाती है उससे पैसा लेती है कि नहीं लेती है, क्या होता है, या भी आपको फिल्म में देखना. Honestly, see, of course, we all are very, I won't say pressure hai, but we all are very like, hum chahate hai ki ye project achha ho, kaun nahi chahega, hamara first project hai. Pressure nahi hai, but umeedein bahut hai, hum sabko khud se bhi, audience se bhi, aur apne kaam se bhi. और हम बस यही होप कर रहे हैं कि हमने जितने प्यार और मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया है वो उतने ही प्यार और यू नो विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट वो रिसीव हो जाए ऑडियंस के थ्रू. एंड हमारे लिए आई थिंक विक्ट्री वही होगी कि ऑडियंस थिएटर में आए, देखे, अप्रिशिएट करना है नहीं करना है वो तो ऑडियंस के हाथ में है, बट कम से कम आकर देखे, वो उतना मौका दे हमको. वो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, बट रेस्ट आई थिंक इज लाइक एवरी मूवी हैज़ इट्स डेस्टिनी. सो we'll see what our movie has in store. I mean, I'd like to say that we made the movie with a lot of, I mean, everyone makes movie with a lot of passion and a lot of love, but this one, we made the movie with a lot of logic. So basically, if you want a movie which is not like over the top, with very nice scenery, very nice locations, a storyline which is always something is happening, so you keep on, you're on the edge of the seats trying to know what's going to happen next. So this is the movie for you. It's a cool movie for cool people, and I'm sure that everyone will find something that they like in it. Dialogues bhi bahut acha likha hai Nikita ne. Hamare pure team ne bahut acha kaam kiya, Apurva. Pure team, 100% acha kaam kiya, to main bahut grateful hoon ki पहले फिल्म में मैंने एक ऐसा अच्छा टीम के साथ काम किया. और सारे प्रोड्यूसर लोग फरीन, याश, बहुत अकोमोडेटिंग थे, बहुत जो भी हमको चाहिए थे वो मिला. इवन दो वी वर फिल्मिंग इन एन आइलैंड बेसिकली वेयर द वेदर चेंजेस एवरी सिंगल मिनट, सो बेसिकली it was hard work, but we wanted to give a logical film. We wanted a story that people, when they watched it, they want to watch it again. The cinematography is made for cinemas, so isliye ye movie sirf cinema mein ja rahi hai. India mein, next week UK mein ja rahi hai, Mauritius mein, South Africa mein, phir US mein bhi jayenge. To I mean, the only reason we are not doing it at the same time is because we have to be at the other premiere also. So it's a first, I think, in Bollywood that we are having premieres in different countries. We believe in this movie. I mean, obviously, the audience will decide, but we know that we've put something out. I mean, that's why I'm in it as well, because the writing was so good. Ye story bahut alag hai, aur pura original hai. So anyone who had concerns thinking that it's a copy, no, it's not. It's made from scratch. A lot of people were involved in, I mean, in giving their bits and pieces as to how to improve the story. So I would like to say that, yes, every movie has their destiny, but this one is made with you in mind, with the audience in mind. Ye aapke liye bane hain. Aapne pucha ki ek aisa movie chahiye jo logical hai, jo dekhne mein acha lage, to humne isi ha. You asked for it and we delivered. Exactly. काफी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे, तो कुछ सीन्स चेंज किए थे,
सी पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज तो आते रहेंगे, वी हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपना अगर कन्विक्शन है, आप कहानी कैसे सुनाना चाहते हैं और आपको खुद पे अगर कन्विक्शन है तो आप वो डिलीवर करेंगे भी और लोगों को पसंद भी आएगा. अब हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं आती. अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर 100% ऑडियंस को पसंद आएगी. ऑब्वियसली कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को पसंद आएगी ऐसा कन्विक्शन अगर आप में है तो आप I mean, you can do a good film and obviously people will like it. honestly, I agree with Aditya because see, हम इतना ये सब नहीं सोच सकते कि ये करते हैं, ये पसंद आएगा इसलिए करते हैं. आप आगे का इतना नहीं सोच सकते हो. आप खुद पर बिलीव कर कर अपना बेस्ट देकर अपनी बेस्ट खुद के लिए बेस्ट होप कर सकते हो. बट ऑफकोर्स हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ. आर जॉब इज़ कि हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया, हमने हमारा बेस्ट दिया और ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट कर दिया है. नाउ इट्स देयर डिसीजन. इवन इफ इट्स अ गुड मूवी एंड इफ दे डोंट लाइक इट, देन यू नो वी हैव फेल्ड एट आर पार्ट. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट एंड वी ऑलवेज कीप दैट इन माइंड सो दैट वॉट एवर हैपन्स हाउ एवर द ऑडियंस रिएक्ट हम उसे पॉजिटिवली ही लेंगे. वी आर नॉट गोना बी लाइक एंड विल इंप्रूव. या एंड विल इंप्रूव. या आप इसे जाना चाहिए कि ब्यूटी ऑफ इंडिया आपको बोलते हैं लोग मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का सारा गुस्सा एंड नॉट गोइंग टू वॉच इन अ बिग थिएटर. सो आगे की आप प्रोजेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करोगे? काफ़ी प्रेशर हो जाता है जब एक प्रोजेक्ट आप दे देते हो लोग पसंद करने लगते हैं तो आगे भी उसी तरह पसंद करते रहें. यार ऑनेस्टली मुझे लगता है दिस इज़ वेरी सून फॉर मी टू यू नो इवन थिंक अबाउट कि ये सब. आई फील आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट विल बी कमिंग माई वे. कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, इस प्रोजेक्ट से मुझे और आगे कितनी मेरे करियर में हेल्प मिल रही है, ये सारी चीज़ें इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग ओनली फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ जो आगे आएगी भी. मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल कोई प्रेशर लेने वाली हूँ कि ओ आई नीड टू बी वेरी चूजी दिस और दैट और दिस. आई डोंट थिंक आई एम गोना गो वेरी लाइट विथ माई सेल्फ. फ़िलहाल मेरा यही अप्रोच है कि जिस स्क्रिप्ट से और जिस कैरेक्टर से मुझे कनेक्शन फील हो जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्रोजेक्ट. सी ऑनेस्टली ऑल ऑफ देम हैव डन अ ग्रेट जॉब, created a legacy जिसको match करना is like a dream for each one of us, like all the women I think who are pursuing anything in their life. एक ऐसी legacy बनाना जो मतलब सदियों तक याद रहे, it's a dream for anybody and everybody. And I honestly, I don't follow a particular person in general की लाइक इनको फॉलो करना है या आपने जैसे नाम लिए हैं. आई थिंक उन सभी को मुझे उन सबसे मैं जितना भी सीख सकूँ वो सीख कर उसे अपने अंदर यू नो इम्प्लाई करना है और देखना है कि चलो अब मैं कुछ कर पा रही हूँ क्या, अपना मैं कुछ बेस्ट दे पा रही हूँ क्या. तो आई थिंक मेरा हमेशा से फोकस वैसे ही रहा है कि सबसे मैं जितना सीख सकूँ उतना सीखूँ और अपना बेस्ट दूँ अपने वर्जन के. यार हु अदर देन पी सी, हु अदर देन हो. या आई थिंक कोविड. यार ऑनेस्टली बदलाव तो मैं कहूँगी पर्सनल लेवल पर आ जाता है. आपके लाइफ में कोई बड़ी चीज़ होती है, यू बिकम मोर हम्बल. लाइक पर्सनली आई थिंक वी ऑल हैव बिकम मोर हम्बल विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन आर लाइफ. एंड ऑनेस्टली यू आर जस्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द फ्यूचर. अब जैसे कोई बड़ी चीज़, जैसे आपने कहा कि मिस वर्ल्ड हुई थी मेरे लाइफ में 2019, मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि वो पॉसिबल भी हो पाएगा. और मतलब बैक इन 2018 आई थिंक इट वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी वट एवर हैपेंड. अपना हार्डवर्क किया और फिर वो एग्जीक्यूट हुआ एंड वट एवर आई हैव अर्नड. बट आई थिंक दैट हैज़ ओनली मेड मी मोर यू नो हंग्री फॉर गुड वर्क, फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई थिंक हैज़ ओनली मेड मी
believe in the fact that all I have to do is work hard and deliver my best. Yeah, I mean, obviously Kabir Singh se bahut pyar mila, but as a assistant director, aap jab kisi film se jude hote ho, to aapko वो विजन आपका नहीं होता, वो विजन डायरेक्टर का होता है. सो कबीर सिंह वाज संदीप सर विजन एंड दिस हाँ संदीप रेड्डी मांगा एंड दिस फिल्म इज माय विजन. सो ये फिल्म में जितना भी मैंने जितने भी डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है उनसे जितना भी मैं सीख पाया हूँ उसको सब कुछ यहाँ डालने की कोशिश की है. और फिल्म मेकिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आप हर दिन कुछ नया सीखते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सब कुछ सीख लिया और मैंने फिल्म बना दी. ऑब्वियसली मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, तो आपको सीखना है और आपको आगे काम करते जाना है. या आई मीन चल रही है बातें, एक फिल्म के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, एक वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और है बहुत ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता फिलहाल, बट देर आर समथिंग इन पाइपलाइन. आई फील राइट नाउ द ओनली थिंग दैट्स इन माई हेड एंड इन द पाइपलाइन इज दी हाइस्ट. सो दैट आई वुड लाइक टू लाइक आस्क द आई मीन रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू प्लीज मेक श्योर दैट दे गो इन टू देयर नियर बाई थिएटर्स. प्लीज जाइए, 19 जुलाई को सिनेमाज में आ रही है, जितना प्यार दे सके हमें प्लीज़ दीजिए. I'd like to second what Suman is saying. So it's releasing in cinemas this Friday, 19th July. Hope to see all you guys there. We were talking about the reviews that you mentioned earlier. So movie deke review dena. Don't make any judgment without watching. So watch it first. Tell us what you think. I mean, I'm confident that most people will like it. It's a content driven. They won't like it for me or for Suman, but as a whole, it's a very, very good movie. It's a very good content-driven movie. It's a story that had to be told. It's a story that is, it's a heist for India. It's a heist for, I mean, it's something never seen in cinema before. It's something very different. The story is something that I would want to watch maybe a few times. So watch it first, tell us what you think. Obviously, we can't expect everyone to like everything, so. But as long as you can give us constructive criticism, like things that can help us in our journey that we're both starting in Bollywood now, and we're still like, I wouldn't say, I mean, we're still like at ground zero, let's say at ground zero right now. Maybe on Friday it will be slightly different, but we hope with your love it will be much different and that we can keep on making movies. No, I know our audience is very sweet. They are very welcoming. Yeah, they have. They've shown the love on the trailer, so that's. You just love it. I just know it's going to be a good film. Guys, please go and watch. No, I know it's a good film, yeah. But I want them to watch it so they also know it's a good film. Yeah. You also have to know it's a good film. Oh, yeah, let's please. Yeah, yeah. Yes. We'll just say the heist in cinemas, 19 July. Okay. So, 1, 2, 3, go. The heist in cinemas, 19 July. Thank you. एक गुमनाम नायक की कहानी में कार्तिक की बेस्ट परफॉर्मेंस इमोशनल कर देगी चंदू चैंपियन. कार्तिक आर्यन के मंच अवेटेड फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे गई है. चंदू चैंपियन की कहानी एक ऐसे गुमनाम नायक की है जिसे कबीर खान ने अपनी फिल्म से पूरी दुनिया के सामने रखा है. कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन की कहानी उन लोगों के लिए देखनी जरूरी है जो हालातों से जल्द ही हार मान लेते हैं. इस फिल्म का नायक उनको बताएगा कि परिस्थिति आपको कहीं भी ले जाए, आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बरसते हौसला और जज्बा बनाए रखें. ये सच्ची कहानी है एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका आज की पीढ़ी ने पहली बार नाम तब सुना जब मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया और तब फिल्मी दुनिया वालों की नजरें में भी आया. अब कबीर खान की बदौलत देश के घर घर में जाना जाएगा. फिल्म यू एक स्पोर्ट्स ड्रामा है लेकिन घटनाओं का इतना उतार चढ़ाव इसके नायक मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी में आया 83 के कपिल देव या मेरी कॉम की जिंदगी में भी नहीं आया होगा. अब तक जितनी भी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्में बनी हैं उनमें नायक एक ही खेल का खिलाड़ी, कोच या मैनेजर होता है. पहली बार आप ऐसे नायक से इस मूवी में रूबरू होंगे जो कई खेलों में चैंपियन बनता है, किसी में गाँव का तो किसी खेल में महाराष्ट्र का, किसी में देश का तो किसी खेल में ओलंपिक का चैंपियन. वो
वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, वो भी तब जब उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बुलेट फंसी हुई थी, आज भी फंसी है। फिल्म का नायक है मुरली, जो संगली के गांव पेट इस्लामपुर का रहने वाला है। पिता और बड़ा भाई दर्जी है, लेकिन मुरली मन पड़ने से ज्यादा खेल में लगता है। सब लोग उसे चंदू चैंपियन कहकर मजाक उड़ाते हैं। चंदू शब्द पप्पू की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। तब मुरली को जिद हो जाता है खुद को सही साबित करने की और वो एक पहलवान के अखाड़े पहुंच जाता है। वो उसे सिखाता नहीं लेकिन काम के लिए रख लेता है। उसे नौसिखिया समझकर पहलवान अपने भांजे से उसे भिरा देता है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए आतुर मुरली उसे रगड़ देता है। पहलवान हैरान था, उसका प्रधान जीजा मुरली वो साथियों पर हमला कर देता है। मुरली पुणे भाग जाता है, वहाँ किसी तरह से आर्मी की इंजीनियरिंग कोर में उसकी नौकरी लग जाती है। यहाँ तक की कहानी सच्ची है। आर्मी में रहकर उसका रुझान बॉक्सिंग की तरफ होता है। आर्मी का कोच टाइगर अली उसे बॉक्सिंग के सारे गुर सिखाता है और एक दिन टॉक्सो इंटरनेशनल डिफेंस गेम्स में वो बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीत जाता है। कोच गोल्ड ना मिलने से नाराज होकर सिखाना बंद कर देता है। कश्मीर में उनके कैंप में 1965 युद्ध में हवाई हमला होने पर मुरली को कई गोलियां लगती है। रीढ़ की हड्डी में से गोली निकल ही नहीं पाती है, पैर बेकार हो जाते हैं। तब वही कोच अली फिर से उसे नए गेम यानी स्विमिंग में पैरा ओलंपिक गोल्ड दिलवाता है। इसे शानदार तरीके से इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ कबीर खान ने फिल्माया है। प्रीतम के म्यूजिक में तीनों गाने फिल्म को आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा बनने से रोकते हैं। सत्यानाश गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, तू है चैंपियन आरपी सिंह ने और सरफिरा केसर मुनीर ने। गानों को अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा, एल और श्री राम चंद्रा आदि ने अपनी आवाज दी है। मूवी के हर एक सीन को फिल्माने में काफी मेहनत की गई है, चाहे वो सेट डिजाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, डायलॉग्स हो या फिर एडिटिंग। लोकेशंस पर भी मेहनत साफ दिखती है। ये अलग बात है कि कई जगहों पर 50 साल पहले भी आज का दौर दिखता है, जैसे 1972 में डिजिटल बोर्ड्स पर विजेताओं का ऐलान होना, लेकिन ऐसा 2-3 सीन में ही है। खासतौर पर जम्मू में हमले के सीन को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। एक बार तो लगता है कि जितने प्लेन इस सीन में कबीर खान ने दिखाया है उतनी 1965 में पाकिस्तान के पास होंगे भी या नहीं। ट्रेन में सत्यानाश वाला गाना भी शानदार फिल्माया गया है। हालांकि कहानी की जरूरत होती होगी शायद, लेकिन कहानी रचने के लिए कई तरह की छूट ली गई है, जैसे कोच अली का किरदार। किसी भी इंटरव्यू में मुरलीकांत ने उनका जिक्र नहीं किया, हमेशा अपनी कमांडेंट को श्रेय दिया है, जिसका रोल मूवी में यशपाल शर्मा का था। मूवी में ये रोल विजय राज के मुकाबले 10% भी नहीं है। ना ही दोस्त कर्नल का जिक्र उनके इंटरव्यू में कभी आया है। 83 में सरदारों का एक ग्रुप बड़बड़ फैंस के रूप में दिखता है। इस मूवी में भी ऐसा ही एक ग्रुप है। कबीर की फिल्मों में देखने वाले खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में भी साफ नजर आता है। ये मूवी में 1968 के पैरा ओलंपिक और उसमें जेवलिन थ्रो आदि के मुरली के फाइनल्स में पहुंचने का जिक्र ही नहीं होता है, बॉक्सिंग के नेशनल खिताब का भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि उनका कोच उनसे टॉक्सो में फाइनल में हारने पर नाराज हो जाता है और उनका कश्मीर भेज दिया जाता है। लेकिन एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था कि सिल्वर मेडल से कमांडेंट बड़ा खुश था और उसे कश्मीर कैंप घूमने के लिए भेज दिया था। मूवी में दिखाया गया है कि मुरली अपने कोच की जान बचाते हुए दुश्मन की गोलियां खाता है, जबकि मुरली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बाहर चाय पीने निकले थे कि हमला हो गया और ऊपर से एक आर्मी की गाड़ी भी निकल गई। ऐसे में कोच अली का काल्पनिक किरदार फिल्म के लिए जरूरी था या नहीं, ये आप फिल्म देख कर ही तय करेंगे। एक्टिंग के मामले में यशपाल शर्मा और राजपाल यादव को उनके कद के मुताबिक रोल नहीं मिले हैं, लेकिन वो काम समय में वो छाप छोड़ने वाले हैं। फर्जी के बाद भुवन अरोरा को फिर एक अच्छा रोल मिला है और उन्होंने साबित भी किया है। विजय राज हमेशा की तरह लाजवाब है और अब हर फिल्म की जरूरत बनते हुए जा रहे है। अनिरुद्ध देव भी बड़े भाई के रोल में जचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोहा मनवाया है तो कार्तिक आर्यन ने। सत्य प्रेम की कथा के बाद निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने उन पर दोबारा भरोसा जताया तो कार्तिक ने निराश भी नहीं किया। आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कार्तिक के लिए बिना हीरोइन या रोमांस वाली फिल्म करना और गजनी की तरह बॉडी पर अद्भुत काम करना तो हैरान भरा था ही। इमोशंस के अलग स्तर पर जाकर कैमरे के सामने भावों को व्यक्त करना ज्यादा मुश्किल काम था और कार्तिक इस पर खड़े उतरे हैं।
अगर ये फिल्म दर्शकों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रही तो मानकर चलिए चंद्रशेखर फिल्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया और सुपरहिट के लिए तरस रहे कबीर के लिए एक खुशी की बजा। लेकिन ये सच है कि मूवी उम्मीदों, सपनों, जिद, हौसले, जज्बे, इमोशंस के उतार चढ़ाव और जद्दोजहद की दिलचस्प कहानी है और उसे उतने ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर रचा भी गया है। बस देखना यह है कि कार्तिक आर्यन के अकेले कंधे पर खड़ी इस मूवी को उनके नाम पर कितने दर्शक देखने आते हैं, लेकिन आएंगे तो निराश नहीं होंगे। परिवार के किशोरों को दिखाना तो बनता है। हाँ, फिल्म में हीरोइन के नाम पर वागश्री बोरसे का छोटा सा रोल है। सो रोमांस या ग्लैमर की इस मूवी में कोई जगह नहीं है।